दोस्तों गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप सभी को मेरा प्यार और प्रणाम और स्वागत है आपका पहाड़ी भाई धनारी वाले चैनल में। दोस्तों दिन का बज गया है 1:15 और मेरा आज का ब्लॉग भी स्टार्ट हो गया है। तो आज का ब्लॉग भी मेरा स्टार्ट हो रहा भाई देहरादून ऋषि विहार से। तो आज मेरी तैयारी थी घर जाने की, यानी कि गाँव जाने की, तो कैंसिल हो गया भाई। तो घर में इसलिए जा रहा हूँ कि परसों 17 तारीख जो है दोस्त की मेहंदी है, तो मेरे को जो है आज जाना तो कैंसिल हो गया है, लेकिन कल जाऊंगा अब। तो सुबह से थोड़ा जो है ब्लॉग बना भी नहीं पाया, तो इसी में रहा थोड़ा बिजी कि जाना है नहीं जाना है। मैंने कहा चलो भाई अब जो है मना ही हो गया कि कल ही जाएंगे, तो मेरे को टाइम लगा। मैंने कहा चलो आज का ब्लॉग भी स्टार्ट कर लेते हैं। तभी मैं आ रखा हूँ छत के ऊपर, तो छत के ऊपर जो है थोड़ा घूम रहा हूँ। बाकी ये देखिए भाई डेम्परो जो हो रखा था ये हो रखा है, अभी 1-2 कोट और मारे, अभी जो है प्रॉपर ढंग से सूखा नहीं। तो मैं छत के ऊपर आ रखा हूँ और आज जो है मौसम भी ख़राब है भाई, ये आप देख सकते हैं चारों तरफ से जो है आसमान में बादल ही बादल आ रखे हैं और हल्की फुल्की धूप जो है छिलक रही है। बाकी पीछे साइड की अगर बात करें तो यहाँ पे जो है गेहूँ भी पक के तैयार हो गए हैं, 2-4 दिन बाद जो है ये गेहूँ भी कट जाएंगे। बाकी इधर का नज़ारा देखें तो एक नंबर है भाई। तो चलो अब जो है खाना पीना खाते हैं, उसके बाद में फिर जाना है भाई छोटे भाई के साथ में मार्केट की साइड। तो चलो खाना पीना खाते हैं, जब छोटा भाई का फ़ोन आएगा तो उसके साथ जाना है थोड़ा मार्केट। तो चलो फिलहाल खाते हैं पहले खाना। शाम का बज गया है 7:15 और दिन में मैंने खाना पीना खाया, उसके बाद में सो गया था। तो सोने से जो है अभी थोड़ी देर पहले उठा, तो अभी जो है छोटे भाई का फ़ोन भी आया, तो उसने जो है दिन में फ़ोन नहीं किया और अभी आया उसका थोड़ी देर पहले फ़ोन कि आ जाओ मार्केट की साइड घूमने को। तो चलो भाई अब जो है चलते हैं मार्केट की साइड, तो कौन जाने आज मैं उधर ही रहता हूँ। तो अभी मैं थोड़ा छत के ऊपर आ रखा था और ठंडी ठंडी हवा का आनंद ले रहा था भाई। बाकी अभी जो है अंधेरा भी हो गया है, मतलब कि रात भी पड़ चुकी है। तो चलो यहाँ से निकलते हैं अब मार्केट के लिए, छोटे भाई के साथ घूमते हैं थोड़ा। बाकी यहाँ से जो है एक बार मैं आपको व्यू भी दिखाता हूँ। मार्केट से चलने के बाद में अभी हम आ गए हैं बंजारा वाला दीदी लोगों के घर पे। तो दीदी लोग जो है घर जा रखे हैं और यहाँ पे आज मैं और छोटा भाई है। तो अभी हम यहाँ पे पहुँच गए हैं, चाय पानी भी हमने पी लिया है और अब है हमारी तैयारी खाना बनाने की। तो खाने में हम बना रहे हैं आज पहाड़ी पुलाव। तो चलो कटिंग तैयार करते हैं, उसके बाद में फिर बनाते हैं। तो चलो आपको भी दिखाता हूँ आज किस प्रकार से जो है पहाड़ी पुलाव बनाते हैं। तो चलो सबसे पहले कटिंग करते हैं। ये हमारी कटिंग भी तैयार हो गई है, थोड़ा सा प्याज काट रखा है और यह है टमाटर, हरी मिर्ची, थोड़ा सा लहसुन और यह है आलू और ये हांडी पे जो है चावल भिगा के रख दिए हैं। तो चलो भाई बनाते हैं अब पहाड़ी पुलाव और आपको भी दिखाते हैं कि किस प्रकार से जो है पहाड़ी पुलाव बनता है। तो ये हमने यहाँ पे सारी सब्जियाँ भी डाल दी और चावल भी डाल दिया है, इसके बाद में हम डालेंगे पानी हिसाब से जितना कि पानी पड़ेगा इसमें। तो इसमें हमने ये पानी भी डाल दिया है, इसको थोड़ा हिलाएंगे और थोड़ा हिलाने के बाद में जो है इसमें ढक्कन लगाएंगे। तो ढक्कन लगाने के बाद में जो है 5 से 7 मिनट तक इसको पकाएंगे, उसके बाद में फिर जो है पुलाव बन के तैयार हो जाएगा। तो चलो दिखाते हैं आपको किस प्रकार जो है हमारा पहाड़ी पुलाव बनता है। तो ये हमने ढक्कन लगा दिया है, अब जो है इसको 5 से 7 मिनट तक हल्के आंच में जो है इसको पकाएंगे।
चले जी, हमारा पुलाव भी बनके तैयार हो गया है, पहाड़ी पुलाव। तो ये देखिए भाई, ये जो है तैयार हो गया है। तो चलो अब गर्मा गर्म पुलाव का आनंद लेते हैं। आपका बज गया है 10:15, और अभी हमारा खाना पीना भी हो गया है। तो चलिए जी, आज की वीडियो को अब यहीं पे क्लोज करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलो आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं, और मिलते हैं आपको अगले नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय देव भूमि उत्तराखंड।